दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। हो दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनिवारी ओ गिरधारी, खाटू वाले तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनिवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। हेरे बिना बाप का बेटा सुना, हेरे बिन माता के छोरी, हेरे बिन भूमि जमींदारा सुना, बिन बालम के गोरी, बिना बाप का बेटा सुना, बिन माता के छोरी, हेरे बिन भूमि जमींदारा सुना, बिन बालम के गोरी, बिना बाप का बेटा सुना। नमस्कार साथियों, स्वागत है इंडिया न्यूज़ 16 में। मैं प्रदीप कौशिक। दोस्तों, आज जैसे मैंने आपको काफ़ी कलाकारों से मिलवाया है, आज भी मिलवाने वाला हूं। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है कि हमारा जो क्षेत्र है उसमें टैलेंट की कोई उम्र नहीं है। छोटी सी उम्र में लोग अपना नाम इतना ऊँचा कर रहे हैं कि वो पूरे देश में जाने जाते हैं। और हरियाणा तो वैसे भी पूरे देश में और बाहर के देशों में भी जाना जाता है, क्योंकि हमारी जो भाषा है, लैंग्वेज है, बोली है, वो बहुत ही फेमस है। आजकल तो दूर दूर तक हमारी भाषा जाने लग गई है। तो जिस प्रकार से मैंने आपको छोटी सी उम्र में बड़े कारनामे करने वाले लोगों से मिलवाया था, जिन्होंने अपना जो आवाज़ है उसको पूरे देश तक पहुंचाया है, जिससे उनका नाम फेमस हुआ है, इसी कड़ी में मैं आज आपको मिलवाने वाला हूं कामिनी यादव जी से, जिन्होंने अपनी आवाज़ के दम पर पूरे देश में बहुत ही अपना अच्छा नाम किया है। तो मैम, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। थैंक यू सो मच। तो ये बताएं कि आप इस फील्ड में किस प्रकार से, किस आपके जो माइंड था, किस प्रकार से आपने सोचा, किस क्यों इस फील्ड में आप आए? मुझे स्टार्टिंग से ही सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था। बचपन से ही मैं स्कूल्स में पार्टिसिपेट करती थी, और जब किसी को गाते हुए देखती थी तो मेरा भी मन करता था कि कभी मैं भी सेट पे गाऊँ। तो मेरा मन था स्टार्टिंग से, तो मैंने किया कि मैं मुझे अपना सिंगिंग में करियर करना। हमारा मन काफ़ी काम करने में होता है, लेकिन हर काम में हमें घर वालों का सपोर्ट नहीं मिलता। तो इस काम को करने के लिए आपके घर वालों का सपोर्ट किस प्रकार से रहा? नहीं, मुझे बिल्कुल, मेरी सिंगिंग के अंदर मुझे पेरेंट्स का बिल्कुल पूरा सपोर्ट है। मेरी पूरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है हर टाइम। मतलब जहाँ मुझे लगा कि मुझे मेरे पेरेंट्स की ज़रूरत है, वहाँ पर हमेशा मिला, और सिंगिंग में तो बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, ये बताएं, जब आपने सिंगिंग स्टार्ट की स्कूल में सबसे पहले गाया, तो आपको अंदर से आत्मविश्वास नहीं था, तो जब पहली बार गाया, दूसरी बार गाया, तो किस प्रकार से वो बढ़ता गया? स्टार्टिंग में तो हम कोई भी चीज़ परफॉर्म करते हैं तो वही है कि कॉन्फिडेंस नहीं होता, बट जैसे जैसे हम उस चीज़ को रिपीट करते जाते हैं, अपने आप अंदर डेवलप होने लग जाता है कॉन्फिडेंस। तो वैसे ही स्टार्टिंग में मैंने गाया, तो मेरे म्यूज़िक टीचर थे, उन्होंने बताया कि जब बेटा हम स्टेज पर कोई भी चीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो सिर्फ ये सोचो कि आपको सब कुछ आता है, तो उसको आप माइंड में रख के बिल्कुल अपना जैसे होता है बिंदास वैसे गाओ। तो मैंने उन्हीं से प्रेरणा लेकर इतना, मतलब स्टेज पे स्टेज फियर को दूर किया अपने। बहुत अच्छी बात है। ये बताएं कि अब आप स्कूल कर रहे हो, स्कूल कंप्लीट हो गया? नहीं, मेरा 12th कंप्लीट हो गया। अच्छा, किस प्रकार से अभी जो टीचर्स आपके स्कूल के, जो म्यूज़िक टीचर है या बाकी टीचर सब्जेक्टिव होते हैं, वो मिलते हैं तो क्या कुछ कहते हैं आपको? सभी बहुत, मतलब प्रशंसा करते हैं और सपोर्ट करते हैं कि बेटा आपका अगर इसी लाइन में आपको इंटरेस्ट है तो आप पूरा आगे जाओ, और हमारा भी नाम रोशन करो, अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन। बहुत अच्छी बात है। आपने ये काम करके पिछले काफ़ी समय से आप गा रहे हो, तो आपने अपने जो पेरेंट्स हैं, आपके जो माता पिता हैं, गुरु हैं, और स्कूल है, गाँव, सभी का नाम आपने रोशन किया है। तो ये बताएं, जब आपने स्टार्ट किया था तो किस प्रकार से, सिर्फ घर वालों से सीखा था, म्यूज़िक टीचर से सीखा था, या किसे आप गुरु मानते हो इस लाइन में? वैसे तो मेरे गुरुजी अमित चौधरी जी हैं, मैंने अभी उनको गुरु बनाया है। स्टार्टिंग में तो मेरे कोई गुरु नहीं थे, अभी गुरुजी को बनाया। तो मैंने जैसे टीवी में गाते हुए किसी को देखा, किसी सिंगर को गाते हुए देखा, तो वहीं से मेरे को लग गया कि मुझे भी गाना चाहिए, और उसी पे मैंने उनको ही देख के मैंने गाना शुरू किया। तो क्या प्रोसीजर रहा, किस प्रकार से आपको आपके गुरु श्री अमित चौधरी जी मिले?
गुरुजी के प्रोग्राम में मैं फर्स्ट टाइम आई थी, मुझे भेजा गया था, गुरुजी ने बोला था कि किसी लड़की को भेजो अच्छी सी सिंगर को, तो राव स्टूडियो वालों ने मुझे भेजा था, और तभी से गुरुजी को मेरी वॉइस बहुत अच्छी लगी। और उसके 5-6 दिन बाद ही जब मैं प्रोग्राम में गुरुजी से मिली, उसके 5 दिन बाद ही गुरु पूर्णिमा थी, और तभी से मैंने गुरुजी को अपना गुरु बना लिया था, और गुरुजी के शरण में अभी सीख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आपने गुरु बनाया, तो गुरुजी अब आपको किस प्रकार से गाइडलाइंस देते हैं कि बेटा इस प्रकार से करो, किस प्रकार से नई चीज़ें सिखाते हैं, किस प्रकार से आपका जो माइंड है उसको डेवलप करते हैं कि बेटा इस प्रकार से करोगे तो और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे गुरुजी की एक बात बहुत अच्छी है, जब हम कोई भी नई चीज़ सीखते हैं तो पहले उसके बारे में उसकी हिस्ट्री बताते हैं कि कोई किस्सा हो या कोई भी रागनी हो कि बेटा ये कैसे शुरू हुई, क्या इसका इतिहास रहा, हर चीज़ को बताते हैं पूरा क्लियर करके, तब कहते हैं कि अब इसको आपको स्टेज पे परफॉर्म करना है, और बैटर तो देना है, वो तो उन खुद ही बताते कि किस तरीके से बैटर देना है, मतलब कभी फील नहीं होने देते कि आप कमज़ोर पड़ रहे हो या कुछ पड़ रहे हो, हमेशा फेवर में रहते हैं गुरुजी। बहुत अच्छी बात है, गुरु का काम ही होता है हमारा फेवर करना और हमें अच्छी बातों को सिखाना और उन पर चलना, बहुत अच्छी बात है। तो ये बताएं, जब आपने स्टार्टिंग किया तो आपने गाने से स्टार्टिंग किया था या भजन गा के स्टार्टिंग किया था या कोई रागनी गाई थी? नहीं, मैंने स्टार्टिंग भजन लाइन से की थी। भजन से की थी, आपने भगवान को याद करके भजन गा के फिर आपकी जो लाइन है सिंगिंग करना है उसको स्टार्ट किया था। जो सबसे पहले भजन गाया था वो याद है या भूल चुके हो? नहीं, अभी तो भूल चुकी हूँ। बहुत अच्छी बात है, काफ़ी कलाकारों से मैं मिल चुका हूँ, मैं बहुत से कलाकारों से मिल चुका हूँ, उनसे बात कर चुका हूँ, किसी भी कलाकार को अपना पहला गाना याद नहीं है, वो उसको भूल जाते हैं। तो ऐसा कोई भजन सुनाए जो लोगों को बहुत भाया हो और आपको भी बहुत अच्छा लगता हो। मैं आपको एक भजन सुनाती जो मेरा फेवरेट भजन है और लोगों को भी बहुत पसंद आया है। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, हो दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, बनिवारी हो गिरधारी, खाटू वाले तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनिवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बहुत अच्छी बात आपने बताई, बहुत अच्छा गीत आपने सुनाया, और हमारे यहाँ पर श्याम बाबा को कुछ मानते भी बहुत ज़्यादा हैं, हमारा जो एरिया है राजस्थान हरियाणा में, तो यहाँ तो बहुत अच्छी मान्यता है भगवान की, बाबा की, तो आप उनका भजन गाते हो, बहुत अच्छी बात है, वो आपके ऊपर दया दृष्टि हमेशा बनाए रखें। तो ये बताएं, जिस प्रकार से आपने इस लाइन की स्टार्टिंग की तो उसके बाद धीरे धीरे आपने प्रगति की, आपको गुरु मिले, अब आप क्या करना चाहते हो इस लाइन में आगे कि भाई मुझे ये चीज़ मिल जाए या मैं ये रागनी गाऊँ या इसके साथ रागनी गाऊँ, वहाँ पे प्रोग्राम करूँ, तो क्या आपका टारगेट है, कहाँ जाने का? अभी तो मेरा कम्प्लीटली टारगेट है कि मुझे अपनी सिंगिंग में अपना करियर बनाना है, कैसे भी करके मुझे एक बेस्ट से बेस्ट सिंगर बनना है। उस बेस्ट से बेस्ट सिंगर को बनने के लिए आप क्या कर रहे हो? अभी गुरुजी से सीख रहे हैं सारी चीज़ें, क्योंकि अभी इतनी नॉलेज है नहीं, तो हर एक चीज़ को, हर एक स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ों को सीख रहे हैं, चाहे वो स्टूडियो सिंगिंग हो या भजन गाना हो या रागनी हो, तो हर एक चीज़ को सीख रहे हैं कि आगे जब हम कुछ बन जाएं तो कोई भी मिस्टेक ना हो, कोई हमें ये ना कहे कि आपको ये चीज़ नहीं आती, तो हर एक चीज़ को हम सीख के पूरी परफेक्टली एक सिंगर के उसमें आना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप परफेक्ट सिंगर बनना चाहते हो, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा सीख लिया उसी पर फिर चलते जाते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि पूरा ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होता है, अधूरा ज्ञान हमें नुकसान दे सकता है। तो ये बताएं, जब आपने भजन गाने के बाद जब रागनी स्टार्ट की, तो ऐसी इतने दिनों में कोई ऐसी एक रागनी रही होगी जो लोगों के मन को भा गई होगी, और जिस रागनी के चलते आपका जो नाम है वो पूरे अपने इलाके में हो गया होगा, ऐसी रागनी की कुछ 2-3 लाइनें जो दर्शक आपको चाहते हैं, आपके जो चाहने वाले आपको देख रहे हैं, उनके लिए सुनाएं। मैं रागनी आपको सुनाती हूँ। हे रे बिना बाप का बेटा सुना, हे रे बिन माता क्या छोरी, हे रे बिन भूमि जमींदारा सुना, बिन बालम के गोरी, बिना बाप का बेटा सुना, बिन माता के छोरी, हे रे बिन भूमि जमींदार
सारा सुना बिन बालम के गोरी, बिना बाप का बेटा सुना। बहुत अच्छी रागनी इन्होंने आपको सुनाई, और इनकी जो रागनी है वो बहुत जल्द, अब जब जैसे ही प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे, आपके शहर में भी आएगी। और इनकी जो आवाज़ है बहुत ही मधुर है, इनको सुनने के लिए बहुत ही अच्छा जो प्रोग्राम्स होते हैं वो मिलेंगे, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चला हुआ है। ये बताएं कि लॉकडाउन का समय चला हुआ था, काफ़ी 2 से 3 महीने 4 महीने गुजर गए, तो इस जो खाली समय था, कलाकार बिल्कुल फ्री थे, घर बैठे थे, उस टाइम को आपने किस प्रकार से स्पेंड किया, क्या कुछ नया करने की कोशिश की उसमें? मैंने लॉकडाउन के टाइम में अपना मतलब रागनियों का रियाज़ किया, नई नई रागनियाँ सीखी, बुक्स पढ़ी, और एक्चुअली मुझे पढ़ने का ज़्यादा शौक है तो मैंने ज़्यादातर बुक्स ही पढ़ी लॉकडाउन में, और अपनी रागनियों का ही प्रैक्टिस किया। बहुत अच्छी बात है, जिस प्रकार से आप पढ़ने का शौक बता रहे हो, अभी कुछ समय पहले आपने बताया कि मैंने प्लस टू पास कर ली है, तो इसके आगे अब क्या पढ़ने का इरादा है, क्या करने का इरादा है स्टडीज़ में? अब 12th के बाद में मुझे तो पहले वैसे ही अपनी डिग्री चाहिए स्टडी की, और अभी मैं म्यूज़िक की डिग्री भी ले रही हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो अभी प्लस टू के बाद आप कहाँ पे एडमिशन लोगे? अभी मुझे एडमिशन लेना है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के अंदर, जो रेवाड़ी में है। किस फील्ड से करना चाहोगे, म्यूजिक से ही जाओगे या किसी दूसरी फील्ड को चुनोगे? नहीं नहीं, म्यूजिक फील्ड से। म्यूजिक से, बहुत ही अच्छी बात है। अब घर वालों ने आपको पूरा सपोर्ट किया और सारी चीज़ें बरकरार चल रही हैं, और आप चाहती हो कि मुझे परफेक्ट सिंगर बनना है, उसके लिए आप सिंगिंग को कितना टाइम दोगे? मैं अपना आधे से ज़्यादा टाइम अपनी सिंगिंग को ही देती हूँ, क्योंकि मुझे तो हर टाइम मेरा काम ही स्टार्ट तब होता है तो मैं सिंगिंग ना कर लूँ तब तक, क्योंकि मुझे इतना शौक है कि अगर कहीं भी मैं काम कर रही हूँ तो मेरी चलती रहेगी सिंगिंग, कभी भी स्टॉप नहीं होती, नॉन स्टॉप गाती रहती हूँ, मुझे गाने का इतना शौक लगा हुआ है। तो ये जो शौक होता है ये हमें बहुत आगे तक लेके जाता है, और मैं भगवान से कामना करता हूँ कि आपको बहुत आगे तक लेके जाए। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका भी बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, इस प्रकार से संघर्षी लोगों और कम उम्र में कुछ अलग करने वाले जो कलाकार हैं, उनसे मिलने के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।